हाँ गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में डिस्टिंग्विश करना यानी डिफरेंस निकालना। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब है इट मींस डिडक्शन फ्रॉम रिवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। यानी कि जो भी अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेस जो हमने डिडक्ट किए थे उसका मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे कि रेंट वगैरह हो गया या और भी इंटरेस्ट वगैरह हो गए, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गए, तो ये सब हमारे क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो हमारे नेट प्रॉफिट निकल के आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना किसमें? पार्टनर्स में। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पार्टनर्स क्या कहलाता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो ये कहता है कि बनाया कब जाता है, कहता है इट इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑल्सो एक्सपेंस दैट आर ए चार्ज ऑन प्रॉफिट्स आर अकाउंटेड। जब भी हमने इसको चार्ज करना है एक्सपेंसेस को किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये तब बनाया जाएगा। अप्रोप्रिएशन कब बनाया जाएगा? अप्रोप्रिएशन इज मेड व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो ही इसको अप्रोप्रिएट किया जाएगा यानी कि अप्रोप्रिएशन किया जाएगा प्रॉफिट्स का। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा यानी कि लॉस को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो जो हमारा प्रॉफिट होंगे तभी इसको प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। फिर कहता है रिकॉर्डिंग कहता है जितने भी हमारे चार्ज एंड प्रॉफिट्स होंगे उनको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और जो हमारे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा वो किसको किया जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में किया जाएगा। फिर कहता है प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रिपेयर बिफोर अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब जब हमने नेट प्रॉफिट ही निकाला तो चार्ज क्या बोलते हैं अप्रोप्रिएटी क्या करना है, यानी कि पहले जो हमारा बनेगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कहता है प्रिपेयर आफ्टर ऑल चार्जेस, जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो जाएगा उसके बाद हमारा क्या बनेगा? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल देखो, रेंट टू ए पार्टनर, जो रेंट दिया इंटरेस्ट सॉरी रेंट दिया पार्टनर को वो क्या होगा हमारा? इसका एग्जाम्पल होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, चाहे हमने पार्टनर्स से लोन लिया हो चाहे आउटसाइडर से लिया हो, वो जो जितना भी इस पर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और अप्रोप्रिएशन के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? सैलरी टू पार्टनर, बिल्कुल सही बात है, जो पार्टनर्स को सैलरी देंगे वो किस कौन से अकाउंट में देंगे? अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी किस अकाउंट में देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और जो जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? कुछ प्रॉफिट्स का हिस्सा सेव करके रख लेना, वो क्या कहलाता है हमारा? जनरल रिजर्व कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर्स को पार्टनर्स द्वारा जो लोन दिया गया फर्म को उस पर इंटरेस्ट किस तरीके से चार्ज किया जाएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो इंटरेस्ट रेट उसमें बता रखा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है, ठीक है। और अगर जब पार्टनरशिप डीड नहीं है उस तरीके से, फिर मैंने आपको क्या रेट बताया था? 6% पर एनम। तो देखो क्या है मतलब इसका, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा सबसे पहले तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कि ये फर्म का खर्चा होगा ना कि पार्टनर्स का खर्चा होगा। जो फर्म के खर्चे होंगे वो किस में जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। और पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना ही देना होगा, ठीक है। यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं है तो उस पर आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम का, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। जब किसी पार्टनर्स को लोन इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्या होगा? उसकी इनकम होगी, तो उसके इंटरेस्ट लोन अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। और एक्सपेंस अकाउंट हमारा क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, और पार्टनर्स के लोन अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी कि जो हमारा एक्सपेंस होगा उसको कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको डेबिट कर देना है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। बस इतना सा ही इसमें था, बाकी अगली वीडियो में आपको बाकी जानकारी देंगे। धन्यवाद।